चलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब भाई बहुत बढ़िया हो गए। क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई। अभी निकले हैं पार्किंग से गाड़ी लेके और जा रहे हैं हम मारुति के सर्विस सेंटर, क्योंकि रात को ना भाई हो गई थी दिक्कत, एक गाड़ी लग गई ऐसे एक पिलर में, वो होता है ना लोहे के पिलर जो लगे रहते हैं पार्किंग के बाहर, उसमें गाड़ी लग गई। अभी दिखाता हूँ आपको पार्किंग पे पहुँच के। मैं जा रहा हूँ सर्विस सेंटर छोड़ने, क्योंकि गाड़ी की सर्विस भी करानी थी और उसके साथ हमें एक गिफ्ट और मिल गया, तो अब गाड़ी 2-3 दिन के लिए जा रही है वेकेशन पे। मैं आ गया हूँ गाड़ी में अपनी, सामने देखो चल रही है होंडा सिटी। अभी जा रहे हैं सर्विस सेंटर। हुआ ये रात को कि यार बारिश पड़ रही है काफ़ी दिनों से, है ना, तो रात भी बारिश हो रही थी। वो क्या हुआ, गाड़ी खड़ी थी पार्किंग में, पार्किंग से मैं निकला, पार्किंग के बाहर ना एक छोटा सा पिलर है, वो आधा वो दिखा नहीं। अब ये है गाड़ी दूर से, मतलब स्पीड में तो लगी नहीं वहाँ चलती हुई, अब मतलब इतना डिस्टेंस होगा उस पर मैंने गियर आगे डाला तो गाड़ी वहाँ जाके उसमें लग गई और दबती चली गई। मैं अभी आपको उतर के दिखाऊंगा क्या डैमेज आया है क्या नहीं, ठीक है। और देखो गाड़ी वैसे 10,000 किलोमीटर भी चल चुकी है, तो मेरे को यार सर्विस सेंटर जाना ही था सर्विस कराने। अब ये नहीं पता था ना कि सर्विस सेंटर में काम बढ़ जाएगा, हमें गिफ्ट मिल जाएगा बाय वन गेट वन वाला। अब यह कोई बात नहीं भाई, गाड़ी भी नाराज़ हो गई, गाड़ी भी सोच रही है कि तू बहुत ज़्यादा जाता है छुट्टियों पे, छुट्टियाँ मनाने, मैं भी जाऊँगी 4-5 दिन के लिए। अब वैसे देखते हैं कितना टाइम लगेगा भाई, 4-5 दिन लगेंगे कितने दिन लगेंगे कुछ पता नहीं है, अभी वहाँ जाके पता चलेगा। गाड़ी का डैमेज आपको वहाँ पहुँच के दिखाऊँगा, ठीक है, मिलते हैं। 4-5 दिन से बारिश ना कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। हमारा प्लान था 2 अक्टूबर को जाने का ट्रिप पे हिमाचल की तरफ, अब देखो वो तो ड्रॉप हो गया, कोई बात नहीं गाड़ी की वजह से भी। मैं सोच रहा था गाड़ी की सर्विस करा के ट्रिप पे निकलेंगे अपना मस्त, पर अब ये देखो 3-4 दिन तो इसमें भी लगेंगे। और वैसे बारिश की वजह से ना हमें ड्रॉप करना ही था प्लान, क्योंकि बारिश ना भाई बहुत ज़्यादा हो रखी है वहाँ पे, लैंडस्लाइड और ट्रैफिक वगैरह बहुत ज़्यादा हो रखा है, मैं देख रहा हूँ वीडियोज़ में भी। तो कोई नहीं, ट्रिप पे तो अपना पोस्टपोन कर दिया है, वो दशहरे के बाद ही जाएंगे या बारिश जब ख़त्म हो जाएगी उसके बाद भी निकल सकते हैं। अब गाड़ी में देखते हैं कितना टाइम लगेगा। सर्विस सेंटर भी ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूँ, सामने है सर्विस सेंटर, देखते हैं भाई ये भी क्या बताते हैं। भाई देखो ये डैमेज है, एक तो ये फेंडर गया है बम्पर और ये लाइट, लाइट में भी क्रैक है। ये क्या हुआ ना, गाड़ी यार लगी नहीं है दूर से, ये ना पिलर में जैसे लगी है ना तो दब गई, जैसे आगे बढ़ी है ना तो ये हुआ है। अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा इसमें और क्या प्रोसेस है। भाई यहाँ तो यार टाइम ही नहीं है गाड़ी देखने का, 15-20 मिनट से खड़ा हूँ, इतने बिजी हैं क्योंकि गाड़ियाँ इतनी सारी हैं यार। अब यहाँ पे पास में एक और है सर्विस सेंटर, मैं वहाँ जा रहा हूँ पहले, वहाँ देखता हूँ, क्योंकि यार यहाँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और यहाँ तो अप्रूवल आने में इंश्योरेंस का कम से कम 3-4 दिन लग जाएंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने पूछा अभी किसी से तो इतना डैमेज तो है नहीं कि यार गाड़ी 10-15 दिन ले ले। चलो दूसरे वाले पे जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ क्या है। अरे अब आए यहाँ पे, ये देखो यार गाड़ियाँ तो यहाँ ऐसे लगी हुई हैं, ये देखो ये भाई देखो भाई, फेंडर चेंज होगा, बम्पर चेंज हो जाएगा, बम्पर भी फटा है ना देखो, भाई गाड़ी छोड़ दिया यहाँ पे, मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। ये कुछ पेपर दिया है सर, 4-5 दिन उन्होंने बोले हैं, अब देखो कितना टाइम वैसे लगाते हैं क्योंकि गाड़ी की सर्विस भी होगी साथ साथ, ठीक है। और हमें देने हैं सिर्फ 1,000 रुपये, मतलब जो इंश्योरेंस जो क्लेम हुआ है, सर्विस के तो अलग है। हाँ देखते हैं जो भी है यार, लाइट साइड का फेंडर और बम्पर, ये 3 चीज़ चेंज होंगी, और लेफ्ट साइड में भी छोटा सा स्क्रैच था तो उसका भी पेंट हमने ले लिया। आते हैं भाई 4-5 दिन बाद, बीच में आऊँगा वो भी दिखाऊँगा आपको, ठीक है। अब जब गाड़ी ख़त्म हो जाएगी तभी एंड करेंगे इस वीडियो को, अभी चल रहे हैं घर, ठीक है भाई चले। चलो भाई, भाई को भी बैठा दिया 2 घंटे से। यहाँ आओ यार, यार टाइम ले निकाल कर आना चाहिए, क्योंकि भाई बहुत कस्टमर होते हैं, पूरी दुनिया गाड़ी ठोक रही है मेरे हिसाब से। तो यहाँ जब मारुति में घुसे ना तो ऐसा लग रहा था कि जो गाड़ी ले रहा नहीं वो यहाँ ज़रूर ला रहा है, हर गाड़ी ठुक रही है, नई की नई, नई नई ब्रीज़ा, नई बलेनो, भाई बिल्कुल टोटल लॉस में गई हुई है।
भाई वैसे एक हफ्ता तो लग ही जाएगा, ठीक है 3-4 दिन तो ये बोलते हैं, पर हम एक हफ्ता लेकर चल रहे हैं क्योंकि ये जो हेडलाइट वगैरह ये सब पार्ट्स होते हैं ना इसमें लगता है टाइम आने में, क्योंकि ये भी ऑर्डर करते हैं, इन पे रखे तो रहते नहीं है। तो ठीक है मैं बीच में आता हूँ फिर दिखाऊंगा आपको क्या हो रहा है काम। ठीक है भाई गाड़ी लगी है तो वेट तो करना ही पड़ेगा, 3-4 दिन के लिए भूलनी पड़ेगी गाड़ी, 3-4 दिन एक हफ्ता जो भी है। अभी जा रहा हूँ घर, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मजा आ रहा है भाई यहाँ ऑफ रोडिंग करके स्कूटी से। आज हो गए 3 दिन अपनी गाड़ी को छोड़े हुए सर्विस सेंटर, तो मैं भी जा रहा हूँ यार वैसे शोरूम, क्योंकि आरसी नहीं आई थी गाड़ी की, 3 महीने से ऊपर हो गए हैं यार आरसी बोली है लाने में। मेरे को लगा था कि यार वो डिलीवर करते हैं घर पे, पर अभी मैंने फ़ोन करके पता किया वहाँ पे शोरूम में, तो बोले सर शोरूम पे आरसी आ गई है ले जाओ आगे किसी के साथ। हेलो भाई क्या हाल है आपके? ठीक है भाई आप कैसे हो? तो बढ़िया। मुझे यार ये चीज़ समझ नहीं आई है तुमने, ये एक तोप ये क्या है, AK-47 हुक्का? ये भाई मेरा पहले शुरू में शौक था ना हुक्का पीने का। अच्छा अच्छा तो ये फिक्स करा लिया परमानेंट? हाँ जी। चलो भाई अच्छी बात है। भाई मैं जा रहा हूँ अभी सर्विस सेंटर तो नहीं, पहले जा रहा हूँ शोरूम, शोरूम के बाद जाऊँगा सर्विस सेंटर गाड़ी देखने की क्या क्या हो गया उसमें, क्योंकि 3 दिन हो गए हैं यार। मैं 3 दिन बाद देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ, पहले गाड़ी की उठाते हैं आरसी फिर जाते हैं सर्विस सेंटर। क्या करवाया तूने इस गाड़ी में? तो बोला ठीक कराई है भाई, वो रोड ही थोड़ा ऐसा हो रहा है ना उबड़ खाबड़ था। भाई आरसी लेके निकल चुके हैं, देखो आरसी आई है ऐसी, पहले आती थी वाइट कलर की, मुझे पता नहीं लगा क्या दे रहे हैं कौन सा कार्ड दे रहे हैं, पर आरसी आने लग गई है अब ऐसी, मेरे को नहीं पता था कि इसने मेरे को ऐसे बताया इसकी बाइक की आरसी ऐसी आई थी। चलो ठीक है, बच्चों को आई कार्ड है स्कूल के? हाँ लग भी रहा है कोई, मतलब जैसे कोई राशन कार्ड वगैरह। अच्छा चल यार वहाँ चल रहे हैं अब सर्विस सेंटर, गाड़ी देख कर आते हैं कितना काम हुआ है भाई, क्योंकि 3 दिन हो चुका दिए हुए, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या काम करा उन्होंने। बस अभी परसों फोटो भेजी थी एक जिसमें उन्होंने फेंडर चेंज करा था, उसके बाद से कोई फोटो नहीं, कोई अपडेट नहीं, ना कोई फ़ोन आया, तो भाई वहाँ जाकर ही पता लगेगा क्योंकि गाड़ी की सर्विस भी पेंडिंग है, सर्विस भी करानी है। इस लाल बत्ती पे हमें तो जाम मिलता है। जाम थोड़ी है बत्ती है भाई, जाम ही एक तरह की बत्ती तो नहीं नहीं, ये रेड लाइट पे भाई हमेशा होता है, यहाँ कभी ख़त्म नहीं हो सकता ना यहाँ से कोई रोड पास हो सकता है इधर उधर से, ये रोड हमेशा ऐसे ही रहेगा। ठीक है अब हमें लेना है यहाँ से यू टर्न ले फटाफट, नहीं तो फिर लाइट हो जाएगी। पहुँच गया सर्विस सेंटर यार, गाड़ियों का हाल देखो, ये रही सामने एक बलेनो, बस बस इतने अंदर मत लगा, पीछे कोई एक्सीडेंटल गाड़ी आ गई ना फिर उसकी रेंज ही हटानी पड़ेगी, तो बैक ही करके लगा रहा हूँ ना। हाँ चल चल चल। अच्छा तो ये साइड मिरर क्यों नहीं खोलता यार? भाई मुझे बहुत बेकार सी लगती है गाड़ी, भारी भारी सी ना, थोड़ी बड़ी बड़ी सी लगती है। मुझे कौन बताया भाई ये जो गाड़ियाँ ठुकी हैं इनमें से 50% इसी वजह से ही ठुकी हुई हैं। चलो मैं जा रहा हूँ अंदर देखता हूँ गाड़ी कहाँ खड़ी है भाई, क्या कर रहे हैं गाड़ी में तो बताता हूँ। यहाँ तो है नहीं अपनी गाड़ी, ये बोल रहे हैं ऊपर भी हो रही है, ऊपर जाता हूँ देखता हूँ और ऊपर भी होकर आ गया, गाड़ी नहीं है शोरूम में बताओ। अब कहाँ ढूंढू गाड़ी? चलो भाई गाड़ी कर दिया बम्पर, ये लाइट भी हुई है ना चेंज ना भाई, बम्पर नया है ना? हाँ भाई गाड़ी में जो डैमेज था देखो वो तो हो गया सारा अपना कंप्लीट। अब मैं जा रहा हूँ भाई के पास, पूछता हूँ यार उससे वो देगा कब गाड़ी, क्योंकि सर्विस पे भी डालनी है गाड़ी। ठीक है सही हो गई है ना? नई जैसी लग रही है। कैसी लग रही है? नई जैसी दोबारा। अच्छा सर्विस सेंटर से तो मैं निकल गया हूँ, अब जा रहे हैं घर की तरफ। ठीक है गाड़ी भी देख ली अपनी, गाड़ी भी कंप्लीट हो चुकी है, कल लेनी है सर्विस पे और कल गाड़ी भी मिल जाएगी मैं शाम तक। चल निकलते हैं। मारुति का भाई ये तो है यार, चाहे शोरूम ले लो चाहे सर्विस सेंटर ले लो,
बिकती भी दबा कर है और लगती भी, मतलब ठुकती भी दबा कर है। इतना भरा हुआ है ना सर्विस सेंटर भी और शोरूम में कस्टमर्स भी भरे हुए हैं, तो दोनों का रेशो बराबर ही चल रहा है भाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ भी बिकती हैं और सबसे ज़्यादा सर्विस सेंटर में भी ये गाड़ियाँ आती हैं। अभी सर्विस सेंटर में जब मैं अंदर गया ना भाई, इतनी गाड़ियाँ, क्योंकि तीन फ्लोर पे मैंने गाड़ी चेक करी, तीन फ्लोर पे गाड़ी नहीं थी मेरी, पता नहीं अलग किसी उसमें दे रखी थी। हाँ, जैसे सर्विस सेंटर है ना और ये साथ में ये सेल्स का ये शोरूम है, शोरूम के अंदर पीछे कहीं गाड़ी ये रविंग कर रहे थे, इन पर इतनी भी जगह नहीं है, इतनी गाड़ियाँ आ रखी हैं जो एक्सीडेंटल है। इधर ट्रू वैल्यू तीन तीन तो यार इन्होंने अपने वो आउटलेट दे रखे हैं यहीं पे, साथ साथ खरीदो भी यहीं पे, ठोकर लाओ भी यहीं पे और फिर सेकंड हैंड बेक नहीं आता वो भी यहीं पे, तीनों काम इकट्ठे कर रहे हैं भाई। कह रहा मुझे भूख लग रही है, पर हम ना बाहर देखो खा नहीं रहे, नवरात्रे चल रहे हैं, ठीक है, लहसुन प्याज अभी थोड़ा बंद कर रखा है, पर शाम को तो ये लाऊंगा यहाँ पे झूला झुलाने। झूलेगा अभी? अभी नहीं भाई, अभी तो बंद है, अभी दिख ही नहीं रहे यहाँ से। इसके पास है भाई मेरे पे, इसके क्या है, कौन से पास है, इसके झूला झूल देखो भाई। उस पर झुलाऊंगा सबसे ऊपर, ठीक है, ओके। शाम को आते हैं भाई यहाँ पे, इसकी इच्छा है भाई की, लौंडे की झूलेगा ना बैठ के या खड़े हो के? हाँ तो मिस्टर झूलना, वैसी वीडियो आ रही है आजकल, झूले वूले गिर रहे हैं। भाई बहुत शोर हो रहा है यहाँ पे, इसलिए आवाज़ तो आएगी नहीं भाई। आप कलेक्शन करने वाले? ये क्या राज है भाई, और मेरे यहाँ भाई ब्लैक में मिली, ब्लैक में अबे दे तक नहीं हो, नहीं नहीं हम सही में हैं, तो वीडियो बनाओ हमारी नीचे से। क्या हुआ, अब नीचे से वीडियो बनाएगी ना, ये हमारी वीडियो बना लेंगे, काम करते हैं। पैसे नहीं लाए भाई, भाई हम पैसे नहीं लाए, नीचे से वीडियो बनाए। फिर से बोल भाई, पैसे नहीं लाए हम, 120 करे इनने पेटीएम, और किस करेंगे तीन, अरे हमारे आ जाएंगे। अरे डर लग रहा हूँ, बहुत डर लग रहा हूँ भैया, तीन 07 के साथ बैठ रहा था मैं। ये रे यार अपने बंदों का नंबर नहीं आया मेरे। देखो यार हाइट देखो, कुछ हो रहा महसूस नहीं ज्यादा टाइम हो रही है नीचे। स्पीड कर दिया तेज, बहुत ज्यादा तेज कर रखी है भाई स्पीड। अरे हमारे उतरने के बाद नंबर आऊंगा ये रे। अब जा रहे हैं इसमें भाई, हमने प्लानिंग करी थी कि सबसे आगे जाएंगे, पर हमसे आगे और भी लोग जाएंगे, तो हिलने को तैयार नहीं है, उन्हें बैठना कोने पे है भाई, मजा आने वाला है भाई, बहुत ज्यादा मजा आएगा इसमें। और यहाँ पे एक स्पाइडरमैन है, स्पाइडरमैन दिखाओ भाई को, स्पाइडरमैन ये रहा, ये नीचे नीचे, ये नहीं, ये नहीं, ये सस्ता वाला नीचे, महंगा वाला स्पाइडरमैन नीचे, कौन सा महंगा वाला है, ये नट निकाल रहा है, पैसे नहीं मिले तो ऊपर एक गुब्बारा मैन भी, ये नट निकाल रहा है, इसकी प्लानिंग है इस नाव को पानी में भेजने की। अब यहाँ गुब्बारा मैन आएगा, ड्रैगन है, ड्रैगन चला भी नहीं,
जगह मिल गई सबको। इसने तो हिला दिया। कैसा रहा? चप्पल गिर गई। ओए चप्पल कहाँ गई तेरी? भाई पैसा वसूल, बहुत कम पैसे ले रहे हैं ये। इसमें पैसा वसूल हुआ भाई, ये बेकार। इसमें तो डबल मजा है इस वाले में। हाँ कैसा? मम्मी की याद आ गई। भाई सब जा रहे हैं घर अपने अपने, ठीक है भाई? बाय बाय। हमारे आधी टीम गायब हो गई है, हम आधी टीम अभी भाई ने ज्वाइन करी है राहुल ने, अब हम जा रहे हैं कुछ खाने, ठीक है? कोई नहीं, झूले अब कल झूलेंगे दोबारा, ठीक है भाई? तुम्हारे साथ भाई पर फन था उस वाले में, तो वो जो बोट वाला था ना उसमें तो मजा आ गया है ना बंदो। नहीं कल तो भाई, कल दोबारा जाएंगे, ठीक है? कल गाड़ी लेने भी जाना, कल अपनी गाड़ी से जाएंगे। वो गोल वाला तो बेकार था, उसने तो सिर्फ 6 राउंड लगवाए, कुछ नहीं करा, और वो भी बहुत धीरे धीरे। उससे ज्यादा तो हमें मच्छर उठा लेते, इतने मच्छर थे ना, उससे ज्यादा हाइट अभी हमें मच्छर ले जाते उठा के, अगर 2 मिनट और रुक भी जाता तो। हाँ और वो बोट वाला तो भाई बिल्कुल मजेदार था, उसमें कल दोबारा झूलेंगे। बाकी और सारे तो यार उल्टी करवाने वाले हैं, सब सरदर्द करवाने वाले हैं। ये बढ़िया था, वही तो मन खराब करता है, वही तो सब बैक कर देता है अंदर से। और वो वाला राजा जो वो गोल गोल जो चलता, दो बंदे बैठते इसमें, उसमें तो यार भाई इन झूलों में कोई सेफ्टी तो है नहीं, अपने हाथ से पकड़ के बैठो, ठीक है? वही सेफ्टी है, और फिर भी पर फन है। भगत जी वाले गोलगप्पे, भगत जी वाले हाथ लगाना मिलाना पानी वैसे। क्या क्या लिया है भाई? काटी कबाब है, रुमाली रोटी भाई, मारी हरी आइडिया भाई, मन ने भरा गया भाई। लोटन की जगह छोटन के देख रहे हैं यहाँ पे, ट्राई करके देखते भाई क्या है ये। अरे भाई लोटन से अच्छे नहीं हुए तो पैसे वापसी। एक कटोरी और दे दो। कुछ खाना भाई? I'm okay. तो पर्ची काट रहा हूँ बैठ के। बिल्कुल मीडियम भाई ने पूछा कैसे स्पाइसी।